यस बेटा, ओपन योर नोटबुक्स, होल्ड योर पेन। ऑलरेडी कैन यू सी द बोर्ड क्लियरली? एवरीबडी कैन सी द बोर्ड? मेरे को आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा, थोड़ी सी सेटिंग करो जरा। आई वॉन्ट टू हियर यू। ऑल मेबी राइट, यस, यू आर ऑडिबल। ओके बच्चे, आई शुड ऑल्सो बी ऑडिबल। मेरे को आपकी आवाज भी आनी चाहिए, अभी आ रही है। ओके, स्टार्ट राइटिंग बच्चे। सबको बोर्ड क्लियरली दिख रहा है? ओके, लेटर सरफेस एरिया ऑफ कोन हम साथ साथ डिस्कस करेंगे, साथ साथ फॉर्मूला लिखेंगे, और जैसे ही फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएंगे, वी विल स्टार्ट द मॉड्यूल। सबको मॉड्यूल मिल चुका है। दिस इज द रिविजन ऑफ योर चैप्टर, यू आर नॉट डूइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, है ना? फाइन, क्विकली आपकी रिविजन हो जाएगी एंड देन यू विल बी एबल टू डू ऑल द आंसर्स। फाइन, फर्स्ट इज कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। इन दिस चैप्टर यू हैव रेड अबाउट कोन, ठीक है? कोन इज लाइक दिस, एवरीबडी नोज दिस इज शेप ऑफ कोन। देन देयर इज अ स्फीयर, स्फीयर के बारे में पढ़े आपने? ओके, और हेमिस्फीयर के बारे में पढ़े? हेमिस्फीयर इज हाफ ऑफ अ स्फीयर। जब स्फीयर को टोटली हाफ में से जब कट करते हैं, बिल्कुल उसके सेंटर लाइन से, तो वो उसके टू इक्वल पार्ट्स होते हैं, दे आर कॉल्ड हेमिस्फीयर। हेमी मीन्स इक्वल पार्ट्स, उसका हाफ। ओके, सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। आई वॉन्ट टू आस्क नाइन्थ सी, नाइन्थ सी इज नविता, प्लीज कम। फाइन, कैन यू टेल मी व्हाट इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन? अगर मेरे पास कोन है तो उसका कर्व सरफेस एरिया हम किसकी बात करेंगे? हाँ, पाई आर एल। हाँ, पाई आर एल इज अ फॉर्मूला, ठीक है? अगर मैं शेप बताऊं तो शेप में कहां पे उसकी पोजीशन आती है? बी हियर बच्चे, इधर ही रहो। कर्व सरफेस एरिया कहां पे होता है उसके, कोन के? बॉटम पे होगा, सर्कल वाली जगह पे, या उसकी सराउंडिंग होगा? सराउंडिंग। सराउंडिंग, ठीक है? दिस इज कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, एवरीबडी नोज। ओके, कर्व सरफेस एरिया मींस उसके आसपास, सराउंडिंग। हम सर्कल की बात नहीं चाहिए, बेस की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ उसके आसपास की बात कर रहे हैं। अगर मुझे यहाँ पे रिबन लगाना है इसके आसपास, या रोप लगानी है, तो मैं इसके सराउंडिंग यहाँ से शुरू करूंगी और नीचे 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 इसके यहाँ तक, नीचे वाला जो सर्कल है लास्ट वहां तक उसको स्टिक करूंगी, ठीक है बेटे? जैसे आपका ये कोन है, तो कोन में आपके पास छोटी छोटी फिगर्स भी ड्रॉ करते रहो, सो दैट आपका क्लियर हो जाए। दिस इज रेडियस, ठीक है? इफ यू टॉक अबाउट कर्व सर्फेस एरिया, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एरिया, उसके सराउंडिंग। सर्कल को नहीं देख रहे अभी हम, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सर्कल। इसमें सर्कल का कुछ ऐड नहीं हो रहा। पाई आर एल इज अ लेटर सर्फेस एरिया, या फिर कर्व सर्फेस एरिया, ठीक है? कर्व का मतलब ही यही होता है कि कर्व मीन्स विच इज नॉट स्ट्रेट, गोल 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 जो उसके आसपास है स्पेस, उसको हम उसका कर्व सरफेस एरिया बोलेंगे, और उसका फॉर्मूला है पाई आर एल, सबको पता है। ओके, और जब हम इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं, टोटल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ कोन, जब टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे, देन हमारे पास कर्व भी आएगा और उसका बेस भी आएगा। वी विल टॉक अबाउट द एरिया ऑफ बेस ऑल्सो। व्हाट इज बेस ऑफ रिग कोन? हु विल टेल मी? सिमरन, नाइन्थ ए, व्हाट इज बेस ऑफ कोन? आई एम शोइंग ऑल्सो। सिमरन, आर यू प्रेजेंट? ऑल राइट, अंशिका, नाइन्थ ही, ओके, या वेरी गुड, आ जाओ। व्हाट इज द बेस ऑफ कोन बेटा? सर्कल। सो इट मींस वी आर एडिंग द एरिया ऑफ सर्कल ऑल्सो वेन एवर वी टॉक अबाउट अ टोटल सर्फेस एरिया। टोटल सर्फेस एरिया इज सराउंडिंग ऑल्सो एंड एरिया ऑफ द बेस ऑल्सो, ठीक है? तो पाई आर एल तो हमें करना ही करना है ऑलरेडी, उसकी सराउंडिंग प्लस पाई आर स्क्वायर जो कि सर्कल का एरिया है बॉटम का, ठीक है बेटे? सो यहां से व्हेन वी टॉक अबाउट पाई आर विल बी कॉमन, वी कैन से एल प्लस आर, दिस इज अ टोटल सर्फेस एरिया ऑफ कोन दैट यू नो, इन विच एल इज ऑल्सो यूज एंड आर इज ऑल्सो यूज,
एवरीबडी नोज, ठीक है? प्लीज अंडरस्टैंड, अपनी ये फॉर्मूला आपको ऐसे लर्न करने की जरूरत नहीं है. आप अपनी एक फिगर अपने माइंड में रखो, और फिगर का कंसेप्ट जो है वो आपके माइंड में होना चाहिए कि अगर कर्व सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं तो सिर्फ उसके आसपास की बात कर रहे हैं, अगर टोटल की बात कर रहे हैं तो उसके नीचे वाले की भी बात कर रहे हैं, कि कोन में से हमने कुछ छोड़ना नहीं है, बेस को भी लेना है, उसकी सराउंडिंग को भी लेना है. ओके, दैट विल कम आउट टू बी टोटल. ओके बच्चे, उसके बाद आपने किया है वॉल्यूम ऑफ कोन. अभी हम कोन की बात कर रहे हैं, तो वॉल्यूम ऑफ कोन जो है ना बेटा, इट इज रिलेटेड टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. किसको पता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? आपने पढ़ा हुआ ये ऑलरेडी, एनीबडी नोज? प्लीज रेज योर हैंड जिस इसको एरिया ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का पता है. यस, वेरी गुड. आ जाओ, दैट गर्ल हु इज रेजिंग योर हैंड, या एनीबडी, वेरी गुड. जो ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है, इट इज अ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. वॉल्यूम मीन्स कि उसके सिलेंडर में, अगर मेरे पास एक सिलेंडर है उसमें कितनी स्पेस है, दैट स्पेस इसमें कितना कितना लिक्विड आ सकता है या कितना सॉलिड चीज आ सकती है, उसकी जो स्पेस कितनी है, दैट वी कम टू नो द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर. ठीक है, अगर 2 kg शुगर इसमें आ सकती है या 2 लीटर ऑफ मिल्क इसमें आ सकता है, इट मीन्स आई कैन से द कैपेसिटी ऑफ दिस सिलेंडर इज 2 लीटर्स. ओके, और लीटर्स को हम कन्वर्ट करते हैं फिर सेंटीमीटर क्यूब में. ऑल राइट, क्योंकि इसमें हमारी हाइट और रेडियस की बात होती है, लाइंस की बात होती है, तो हम उसको सेंटीमीटर मीटर की फॉर्म में उसका यूनिट लिखते हैं. ओके बेटे, नाउ आई वॉन्ट टू टेल यू कि सिलेंडर आपने पहले पढ़ा पाई आर स्क्वायर एच, अभी इन दिस क्लास यू आर टॉकिंग अबाउट कोन. तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन कोन एंड सिलेंडर, किसी को पता है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड वॉल्यूम ऑफ कोन का बहुत अच्छा एक रिलेशन है. एनीबडी नोज? आई एम हैप्पी कि आपको प्रीवियस क्लास का याद है, ये पाई आर स्क्वायर. अच्छा, आपने ठीक आंसर बताया. तो व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ कोन? ओके, नाउ लिसन टू मी केयरफुली, सब सामने देखो. मैम Yes. मैम, वॉल्यूम ऑफ कॉन इज द 1/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. 1/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, फाइन. हाउ, इसका रीजन क्या है, कैसे हुआ ये? जैसे हमारे पास, बिल्कुल ठीक बताया आपने, सपोज हमारे पास 2 कोन है, ये कोन है और एक सिलेंडर है, मेरे पास दोनों सेम हाइट के हैं, ये हाइट इज ऑल्सो सेम, रेडियस इज ऑल्सो सेम, कोन और दिस सिलेंडर, ठीक है? तो अगर मैं कोन में 3 टाइम्स, एक बार मैंने सैंड फिल की इसमें, आई एम फिलिंग इन दिस, ठीक है, सेकेंड टाइम अगेन आई एम फिलिंग इन दिस कोन, सेकेंड टाइम अगेन आई एम फिलिंग, पूरा का पूरा फिल करना है टॉप तक, ठीक है, थर्ड टाइम अगेन आई एम फिलिंग इट पूरा का पूरा. जब 3 टाइम्स आई फिल दिस कोन को, मैंने 3 टाइम्स इसमें डाला, तब जाके ये फुल हुआ सिलेंडर, ठीक है? कोन एंड सिलेंडर दे वर ऑफ सेम हाइट एंड सेम रेडियस, यू कैन सी कि उसमें फिट हो रहा है, यहाँ पे डायमीटर सेम है, बिल्कुल रेडियस दोनों का सेम है. तो जब मैंने इसमें कोन में से थ्री टाइम जब मैंने इसमें पोर किया, तब जाके ये फुल हुआ है. इट मीन्स देर इज अ रिलेशन बिटवीन दैम, कि प्रैक्टिकली वो जो है, इट इज इक्वल टू 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. दैट्स वाई इस फॉर्मूला हैज कम आउट टू बी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. ठीक है बेटा, जो भी आपके फॉर्मूला बने हुए हैं उनका कोई रीजन है, दे आर प्रूव्ड, तभी वो फॉर्मूला बना है. कोई भी चीज को जब आप प्रूव कर देते हो एक्सपेरिमेंट के थ्रू, तब वो आपका फॉर्मूला बन जाता है. ओके, एवरी फॉर्मूला हैज अ रीजन बिहाइंड कि वो कैसे आया. सो व्हाई इट इज 1/3 ऑफ दैट, दिस इज इक्वल टू 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एज यू सेड. ठीक है, सबको पता होना चाहिए कि ये कैसे आया. सिलेंडर का आपको याद ही रहेगा क्योंकि ऑलरेडी आपने किया हुआ है, फाइन. तो उसका 1/3 करोगे तो वो कोन आ जाएगा. और फिर कोन का आपको ये नहीं, कई बच्चे इसको 3 टाइम्स कर देते हैं, आई हैव सीन द मिस्टेक, इसको 1/3 के बदले में 3 टाइम्स इसका कर देते हैं. तो जब आप ये एक्सपेरिमेंट देख लिया आपने, आपको याद रहेगा कि 1/3 होता है, कोन जो होता है छोटा होता है, आपको पता है ऊपर से नैरो होता जा रहा है, ये जब ऊपर से नीचे आता है नैरो होता जा रहा है एज कम्पेयर टू सिलेंडर. ऑल राइट बेटा, सो वी आर परफॉर्मिंग द क्वेश्चंस नाउ, साइड बाय साइड हमारे जो फॉर्मूला यूज होंगे वी विल डू दैट ऑल्सो. Everybody has got the module?
फाइन, मॉड्यूल भी अपने सामने रखो और अपना रजिस्टर भी अपने सामने रखो, बिकॉज यू हैव टू राइट मैनी थिंग्स. ओके, क्योंकि अभी तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, जब घर जाके रिवाइज करोगे यू हैव टू सी योर रिटन वर्क ऑल्सो. फाइन, असर्शन इज बेटा, वॉल्यूम इज डिफाइंड एज अ स्पेस. रीड इन द मॉड्यूल, यू ऑल्सो रीड, एक एक वर्ड बहुत ध्यान से पढ़ने वाला है. वॉल्यूम इज डिफाइंड एज अ स्पेस ऑक्यूपाइड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन थ्री डायमेंशनल स्पेस. थ्री डायमेंशनल स्पेस, दिस सिलेंडर इज थ्री डायमेंशनल, ठीक है, जिसके अंदर मैं कुछ फिल कर सकती हूँ, इसमें स्पेस है. ओके, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका वॉल्यूम क्या होगा, जितनी इसमें चीज आती है, चीज ने जितनी स्पेस ऑक्यूपाई की, इसमें मैंने सैंड डाली है तो सैंड ने कितनी स्पेस इसमें ऑक्यूपाई की, वो सारी है हमारे पास, उसका वॉल्यूम आएगा. दिस इज ट्रू और फॉल्स? यू ऑल्सो रीड बेटा, अपने आप हाँ फिर बताना. अंडरस्टैंड इट? हु आर सेइंग ट्रू, रेज योर हैंड. वॉल्यूम इज डिफाइंड एज अ स्पेस ऑक्यूपाइड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन थ्री डायमेंशनल स्पेस. विद इन द बाउंड्रीज, अब मैंने इसमें सैंड डाली थी तो विद इन बाउंड्रीज ही था ना, उसकी बाउंड्री को कवर कर रहा है. इज इट ट्रू? यस यस, रेज योर हैंड, एवरीबडी रेज योर हैंड. किसी को डाउट हो रहा है इसमें? नो, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वॉल्यूम. वेरी गुड, दिस इज ट्रू, असर्शन इज ट्रू. फर्स्ट क्वेश्चन, आई विल राइट ए फॉर असर्शन, दिस इज ट्रू, एंड रीजन इज सर्फेस एरिया ऑफ थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड इन क्यूबिक यूनिट्स. सर्फेस एरिया, सर्फेस एरिया, वेन वी टॉक अबाउट सर्फेस एरिया, इसकी यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर क्यूब होती है, मीटर क्यूब होती है, या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर होती है, कौन सी होती है? ओके, नॉर्मल एरिया की बात करते हैं, इसको छोड़ो, सरफेस एरिया को छोड़ो. स्क्वायर का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया, पैरेललोग्राम का एरिया, ट्राइंगल का एरिया, उसमें यूनिट आप क्या लिखते हो? सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर सेंटीमीटर क्यूब? सेंटीमीटर स्क्वायर. यस, एवरीबडी अग्रीज, सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते हो? यस, वेरी गुड, एवरीबडी नोज. तो दिस इज सरफेस एरिया, एरिया ही है, दिस इज एरिया ओनली, कोई न्यू चीज नहीं आई है. सरफेस एरिया का मतलब क्या है, कि ये सरफेस बना हुआ है, इसके सराउंडिंग उसका एरिया है. इसमें जो आपने इसके सराउंडिंग की बात करी, जैसे मैंने आपको कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन बोला, तो हम किसकी बात कर रहे थे, इसकी सराउंडिंग की बात कर रहे थे ना, ठीक है. स्क्वायर का जैसा आप एरिया बोलते हो, वैसे ही तो कोन का एरिया और है सरफेस एरिया. सरफेस एरिया हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उसका सरफेस बना हुआ है, क्योंकि वो हमारे पास एक सॉलिड है, थ्री डायमेंशनल है, थ्री डायमेंशनल है, तो उसको हम सरफेस एरिया बोल रहे हैं. ओके बेटे, तो आपके पास, ये आपके पास आ गया इसका, दिस इज ट्रू और फॉल्स. एरिया का तो आपने बता दिया कि ये होता है, तो इसका मतलब सरफेस एरिया का भी सेम ही होना चाहिए या नहीं? यस और नो, जल्दी से बता दो. यस, वेरी गुड, बी कॉन्फिडेंट, सरफेस एरिया इज सेम एज एरिया, ठीक है. हम थ्री डी शेप्स की बात कर रहे हैं, इसलिए वो सरफेस एरिया बन गया, दैट्स वाई, बट यूनिट विल बी सेम. ओके, तो दिस इज फॉल्स, दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट. ओके, फर्स्ट इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, तो विच ऑप्शन विल मैच? सी, यस, आपके पास वो लिखी होंगी बेटा, इसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस लिखी होंगी. सी इज द ऑप्शन, असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स. एनी डाउट इन दिस बेटा? बेटा दिस इज फर्स्ट वाली जो असर्शन है, जो कि ट्रू स्टेटमेंट है, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ वॉल्यूम, प्लीज रिमेम्बर. ओके, किसी को भी डाउट होगा यू हैव टू स्टैंड एंड आस्क मी. आई नो यू आर ऑल गुड चिल्ड्रन एंड अंडरस्टैंड वेरी डीपली, ठीक है. आई फील गुड इफ यू विल रिप्लाई मी साइड बाय साइड, और आस्क योर डाउट्स ऑल्सो खड़े होके. ओके बच्चे, बिकॉज यू आर डूइंग दिस चैप्टर फॉर द सेकंड टाइम, क्लास में ऑलरेडी किया हुआ है आपने. सेकंड क्वेश्चन इज असर्शन, अ राइट सर्कुलर कोन इज जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग अ राइट एंगल ट्राइंगल अबाउट वन ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द राइट एंगल. ये भी आपकी डेफिनेशन है,
आपकी जो एनसीईआरटी स्टार्ट होती है बिगनिंग में ही आपके ही है। ट्रू, यस। आपका जो ये यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल अगर ड्रॉ कर दो इसको, अगर इसके आसपास घुमाओगे फ्लैग की तरह, इसके आसपास जब रोटेट करोगे ना इसको, इट विल बिकम अ कोन ओनली, ठीक है? ऐसे बन जाएगा अल्टीमेटली, इट विल बिकम लाइक दिस। सो सेम थिंग यू आर टेलिंग, आपकी एनसीईआरटी में भी फर्स्ट पेज पे ही है ये, कि अ राइट सर्कुलर कोन, दिस इज कॉल्ड राइट सर्कुलर कोन बिकॉज उसका जो है यहां से जो हाइट है वो परपेंडिकुलर है, और यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा था ऑलरेडी, राइट एंगल के आसपास वो घूम रहा था, इसलिए वो राइट सर्कुलर कोन है। ओके, यू आर कॉम टू नो हाउ राइट सर्कुलर कोन हैज एमर्ज फ्रॉम अ राइट एंगल ट्राइंगल। इनिशियली राइट एंगल ट्राइंगल था, इसको स्टिक पे लगा के जब आप ऐसे ऐसे रोटेट करोगे फास्ट फैन की तरह, इट विल बिकम अ शेप ऑफ कोन ओनली, इस शेप में ही घूमेगा वो। फाइन, तो दिस इज ट्रू, वेरी गुड। सेकेंड इज, आई एम एक्सप्लेनिंग साइड बाय साइड ताकि आपको कोई भी डाउट ना हो, आपका क्वेश्चन में कुछ भी लिखा हो आपको डाउट नहीं होना चाहिए उसके बारे में, डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, फॉर्मूला तो आप लगा ही लोगे। फाइन, रीजन इज अ कोन इज सेट टू बी राइट सर्कुलर कोन इफ द एक्सिस ऑफ द कोन इज परपेंडिकुलर टू द बेस। एक्सिस ऑफ द कोन, एक्सिस ऑफ द कोन का मतलब क्या है कि मिडल से जो लाइन जा रही है कोन के, ये अगर कोन है इसके मिडल से जो लाइन जा रही है इसको हम एक्सिस बोलेंगे, जिसके आसपास वो रोटेट कर रहा है, जो लाइन सेंटर से पास हो रही है। फाइन, अ कोन इज सेट टू बी राइट सर्कुलर कोन इफ द एक्सिस ऑफ द कोन इज परपेंडिकुलर टू द बेस, दिस इज फाइन। ट्रू और फॉल्स? True. ट्रू, वेरी गुड, वेरी गुड। सोच के आंसर दो, आई एम हैप्पी जब आप सोच के आंसर देते हो ना, 1 सेकंड में सोच के, तो बिल्कुल ठीक आंसर होता है, वेरी गुड। अब थिंग इज कि अब ये ऑप्शन ए होगी या बी होगी। एसर्शन में हमारी बात हो रही थी राइट सर्कुलर कोन इज जनरेट, कहाँ से जनरेट होता है, ठीक है? रीजन में हमारी बात बात हो रही है कि कोन इज सेट टू बी राइट सर्कुलर कोन, क्यों बोलते हैं उसको राइट सर्कुलर कोन, क्योंकि वो एक्सिस के अराउंड घूमते हैं परपेंडिकुलर उस पे, ठीक है, बेस पे परपेंडिकुलर होता है। तो ऑप्शन ए होगी या बी होगी, आर दे रिलेटेड? ए ए, ए होनी चाहिए, यस, वेरी गुड, ये ऑप्शन होनी चाहिए इसकी, वेरी गुड। दोनों के बारे में हमारे इसकी बात हो रही है राइट सर्कुलर की, फाइन। थर्ड इज असर्शन, अ स्फीयर इज अ थ्री डायमेंशनल फिगर, स्फीयर इज अ थ्री डायमेंशनल फिगर विच इज मेड अप ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन द स्पेस, ये आपकी एनसीईआरटी की डेफिनेशन है। प्लीज लिसन टू मी केयरफुली और अपना साथ साथ में रीड भी करो। अ स्फीयर इज अ थ्री डायमेंशनल फिगर विच इज मेड अप ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन द स्पेस विच लाई एट अ कॉन्स्टेंट डिस्टेंस कॉल्ड रेडियस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट कॉल्ड द सेंटर ऑफ द स्फीयर। काफी लंबी है ये डेफिनेशन, आपको समझ आनी चाहिए कि हमारे पास अगर स्फीयर है, एक स्फीयर की हम बात कर रहे हैं, उसके सेंटर में जो उसका सेंटर पॉइंट है, तो वहां से उसके कंटिन्यूअस रेडियस होते हैं, कितने पॉइंट्स होते हैं, कितने ज्यादा पॉइंट, इन्फिनिट पॉइंट्स आर देयर, ठीक है? ये जो पॉइंट्स मिलते हैं आपस में इन अ स्पेस, टुगेदर दे फॉर्म अ स्फीयर। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ स्फीयर, राउंड बॉल जो होती है, इट इज राउंड फ्रॉम ऑल द साइड्स, तो देयर आर सो मेनी पॉइंट्स फ्रॉम द सेंटर जो कि आपस में ज्वाइन होके वो एक स्फीयर बना रहे हैं, ठीक है? तो दिस इज ट्रू और फॉल्स? दिस इज ट्रू, क्योंकि ये आपकी एनसीईआरटी की डेफिनेशन है स्फीयर की, कि स्फीयर होता क्या है, ठीक है? आफ्टर दिस क्लास यू कैन ओपन द बुक एंड सी ऑल्सो। ये बेटा आपके ट्रू फॉल्स में भी आ सकता है, प्लीज रिमेम्बर, इसको रिवाइज कर लेना। ओके, तो कांस्टेंट डिस्टेंस होता है, कांस्टेंट डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं आपको पता है, सर्कल में ये कांस्टेंट डिस्टेंस जो यहाँ यहाँ ये डिस्टेंस होते हैं, इनको आर बोलते हैं ना, रेडियस एट कांस्टेंट डिस्टेंस आर, सारे आर आर डिस्टेंस पे सारे के सारे पॉइंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, और वो टुगेदर मिलके दे आर मेकिंग अ स्फीयर। फाइन, दिस इज ट्रू। रीजन, अ हेमिस्फीयर इज ऑब्टेन्ड, अब हेमिस्फेयर की बात हो रही है, जब हमने स्फेयर को काट लिया तो हेमिस्फेयर की बात हो रही है, विच इज एग्जैक्टली हाफ ऑफ द स्फेयर। ओके, अ हेमिस्फेयर इज ऑब्टेन व्हेन अ स्फेयर इज स्लाइस्ड एग्जैक्टली थ्रू द मिडल विद अ प्लेन दैट पासिस थ्रू द सेंटर।
Yes, ninth E, Anshika. Can you tell me true or false? True. Very, very good. This is true. Yes, third question. Assertion भी आपके पास ट्रू था और रीजन भी आपके पास ट्रू है, तो ऑप्शन विल बी ए और बी बेटा, बी। यस, बिकॉज उसमें हमारे पास हेमिस्फीयर और स्पीयर की बात हो रही है, अलग अलग बात हो रही है दोनों में। ऑल राइट, फाइन, लेट्स मूव फर्दर, कम टू एमसीक्यू, ओपन योर रजिस्टर। अभी आपको लिखना पड़ेगा सारी फॉर्मूलाज की, डायग्राम भी बनानी पड़ेगी और लिखना भी पड़ेगा। दीज आर लिटल ट्रिकी क्वेश्चन बट नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। ओके, अपना कंसेप्ट अपने माइंड में रखो, फॉर्मूलाज अपने माइंड में रखो, फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ सकती, जैसा मर्जी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए। अप्लाई द लॉजिक, एमसीक्यू क्वेश्चन इज, प्लीज रीड इट इन द मॉड्यूल ऑल्सो। अ कोन, अ हेमिस्फीयर एंड अ सिलेंडर, तीन चीजों की बात हो रही है इसमें, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, कोन की बात हो रही हेमिस्फीयर की बात हो रही है और साथ में सिलेंडर की बात हो रही है, जो आपने ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है। कोई भी की हुई चीज आपकी वेस्ट नहीं जाती है, फर्दर फर्दर यूज करते जाते हो, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग कि अभी जो कर रहे हो वो टेंथ में भी काम आएगा आपका। प्लीज डू इट केयरफुली। कोन, हेमिस्फीयर एंड सिलेंडर स्टैंड ऑन द इक्वल बेसिस एंड हैव द सेम हाइट। व्हाट डू यू मीन बाय इक्वल बेसिस? आपको क्या गैस मिलता है कि अगर इक्वल बेस दिया हुआ है तो उससे हमें हमें अब क्लू क्या मिलता है, क्या यूज करते हैं हम इक्वल बेस से, हमें क्या फायदा होने वाला है? एनीबडी? अरमान, नाइन्थ डी, व्हाट डू यू मीन बाय इक्वल बेसिस? अगर हमारे पास ये अलग अलग फिगर्स हैं, एक कोन बना हुआ है, एक हमारे पास हेमिस्फीयर है और देन हमारे पास एक सिलेंडर है, इक्वल बेसिस हैं उनके। इक्वल बेसिस का मतलब क्या है? हेमिस्फीयर का बेस कहाँ होगा? यहाँ पे, ठीक है। कोन का बेस कहाँ होगा? यहाँ पे। और सिलेंडर के बेसिस हमारे पास ये दोनों होंगे, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? यस, बता रहे हो बेटे आप, और किसको बता रहे हैं जो हैंड, किस इसको बताए कि इक्वल बेसिस से हमें क्या पता चलता है? अरमान, आप आगे आए थे, मेरे को आपकी आवाज नहीं सुनी बेटा, कुछ बोला है आपने? ओके, अगर आपको नहीं पता, प्लीज लिसन टू मी केयरफुली। बेटा बेस की जब हम बात करते हैं, आप पहले ये देखो कि जितनी भी आपके पास थ्री डायमेंशनल शेप्स हैं, ये आपके पास हेमिस्फेयर हो गया, कोन हो गया या सिलेंडर हो गया, इनके बेस पे क्या चीज है? एक सर्कल है। यहाँ पे रफ में लिख लो कि बेस इज ऑलवेज इक्वल टू सर्कल, सर्कुलर फॉर्म में ही है ना वो, ये तो सबको पता ही है। कोन के बेस पे भी आपको सर्कल दिख रहा है, एवरीबॉडी नोज। अगर हम सिलेंडर की बात कर रहे हैं, सिलेंडर के नीचे भी आपको सर्कल दिख रहा है। हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं, हेमिस्फीयर में भी आपको फ्रंट पे सर्कल दिख रहा है, ठीक है। तो जब हम इनकी बात करते हैं, इक्वल बेस का मतलब है, इक्वल बेस मीन्स इक्वल डायामीटर, इक्वल डायामीटर, इक्वल डायमीटर है तो इक्वल रेडियस भी होगा, देयरफॉर इक्वल रेडियस आल्सो। प्लीज राइट इट डाउन। ये तो आपको बहुत क्वेश्चंस में आता है कि उसके बेस ऐसा है, उसका बेस ऐसा है, बेस के डायमीटर आर सेम, बेस के ये आर सेम, तो बेस वर्ड आपको पता होना चाहिए। बेस तो सिर्फ सर्कल है हर एक सॉलिड फिगर का। स्फीयर में हम बेस की बात नहीं करते क्योंकि वो पूरा राउंड है, हेमिस्फीयर में हम बेस की बात करते हैं। ओके, सो रेडियस इज सेम, तो आपको ये पता चल रहा है कि तीनों के रेडियस जो है वो सेम है, तो सबको मैं आर 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 लिखूंगी,
वी कैनॉट से इट आर वन आर टू आर थ्री बिकॉज वो तीनों ही सेम है, मैंने सबको ही आर लिख लिया. क्लियर? देन दे हैव सेम हाइट ऑल्सो, हाइट भी सबकी सेम है, तो यू कैन से एच एच एंड एच, तीनों की हाइट सेम है. वी हैव टू कंपेयर देयर रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स, तीनों के वॉल्यूम्स को हमने कंपेयर करना है. इनकी रेशियो निकालने से पहले हमें क्या करना है, कोई बताएगा? हाउ टू स्टार्ट द क्वेश्चन? 9th में बॉयज प्लीज डोंट टॉक, आसपास वालों को भी डिस्टर्बेंस होती है बेटा. यू आर डिस्कसिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नाउ. 9th B, अनु आर यू देयर? कैन यू टेल मी हाउ टू स्टार्ट द क्वेश्चन? अगर आपको सपोज ही एग्जाम में न्यू क्वेश्चन आ गया तो आपके माइंड में क्या चल रहा है, कैसे स्टार्ट कर सकते हो? अनु इज प्रेजेंट? नवप्रीत 9th A, आगे आ जाओ. टेल वट एवर यू नो, ठीक है? डोंट थिंक कि मेरे को आपने आंसर ही बताना है इसका, मैं सॉल्यूशन ही पूछ रही इसका. आई एम जस्ट टेलिंग कि उनकी आपके रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स निकालना है बेटा. आपके देखो क्वेश्चन आपके बिल्कुल सामने है. वी हैव टू फाइंड रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स. तो क्वेश्चन कहां से स्टार्ट करोगे? क्वेश्चन हमारा ये आपके सामने है. रेशियो तो हम बाद में निकालेंगे, पहले तो हमें वॉल्यूम्स निकालने हैं ना उनके. डू यू अग्री कि वॉल्यूम निकालेंगे तभी तो उनकी रेशियो आएगी? रेशियो हैंड, डू यू अंडरस्टैंड कि पहले हमें वॉल्यूम निकालने हैं? वेरी गुड. सबके वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख दो, सबके नीचे नीचे सब फॉर्मूला लिख दो. इसके कौन के नीचे वॉल्यूम का फॉर्मूला? 1/3 πr² h. स्फीयर के नीचे वॉल्यूम का फॉर्मूला, वॉल्यूम क्या होता है? 2/3 πr³. यू नो दिस फॉर्मूलाज? वॉल्यूम के फॉर्मूला पता होंगे आपको, यूज किए हुए हैं आपने. सिलेंडर का फॉर्मूला अभी अभी आपने बताया था, πr² h. तीनों के हमने वॉल्यूम्स लिख लिए. जब आप ध्यान से इसको देखोगे कुछ ना कुछ सिमिलर है तीनों के बीच में, ठीक है? आपको ये भी पता है कि ये आर और एच, आर और एच यहाँ पे तीनों में सेम है. और हेमिस्फीयर की आपको कंडीशन पता होगी कि हमेशा आर इज इक्वल टू एच होता है. यहाँ पे लिख लो आर इज इक्वल टू एच, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. हेमिस्फीयर में जो रेडियस होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू हाइट. कोई बताए या ना बताए, क्वेश्चन में गिवन है या नहीं है, यू कैन अप्लाई इट, इट इज अंडरस्टूड. जब भी हम हेमिस्फीयर बनाते हैं, स्फीयर को सेंटर में से काटते हैं, तो उसकी जो हाइट होती है ऑलवेज, हाइट इज ऑलवेज इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर. ओके बच्चे, दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर एंड यू कैन राइट इन क्वेश्चंस आल्सो. आर इज इक्वल टू एच यू कैन राइट. प्लीज राइट डाउन विद द फॉर्मूला ओनली, यहीं पे फिगर के साथ ही लिख लो. ओके, दिस कंसेप्ट यू हैव टू यूज कि आर इज इक्वल टू एच है. तो आर इज इक्वल टू, यहाँ पे आर इज इक्वल टू एच है तो आर तो सारे मिलते थे, तो यहाँ भी हम लिख सकते हैं 1/3 πr² ×r. एच की जगह मैंने आर लिख लिया, ठीक है? यहाँ एच है ही नहीं, लेट इट बी आर ओनली. हियर अगेन आई कैन राइट एच की जगह, आई कैन राइट आर. एनी डाउट इन दिस स्टेप बेटा? व्हाई आई हैव डन आर एच इज इक्वल टू आर? टिल हियर इट इज क्लियर टू एवरीबडी? इफ यू आर रियली अंडरस्टैंडिंग टिल हियर प्लीज रेज योर हैंड. ग्रेट, चल अभी आगे चलते हैं. फाइन, नाउ यू कैन राइट इट एज 1/3 πr³. हियर इट इज 2/3 πr³ एज इट इज, हियर इट इज πr³. एच यहां से गायब हो गया, एच इज नो मोर नाउ. एच कहां चला गया? एच हैज कन्वर्टेड इनटू आर बिकॉज ऑफ
हेमिस्फीयर ने हमें बताया कि एच इज इक्वल टू आर है, तो हमने सारे एच को काट के आर लिख दिया ताकि हमारा क्वेश्चन इजी हो जाए. यस, नाइन्थ एफ सेक्शन. यू आर नॉट मूविंग योर हैंड, प्लीज राइट डाउन, नोट इट डाउन साइड बाय साइड. ओके बेटा, नाउ यू कैन सी वेरी क्लियरली पाई आर थ्री, पाई आर थ्री, पाई आर थ्री, इट इज कॉमन इन ऑल. तो व्हाट इज लेफ्ट? 1/3, 2/3 एंड 1. ठीक है, तो 1 को मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे 3/3. कैन आई राइट ऑन माई ओन? मैं अपनी मर्जी से भी लिख सकती हूँ 1 को 3/3. सबका डिनोमिनेटर मैंने 3 बना दिया ताकि मेरा कंपेरिजन इजी हो जाए. तो इट इज कमिंग आउट टू बी 1:2:3, क्योंकि बॉटम वाला 3 तीनों में कॉमन था. आई कैन कैंसल इट, तो ऊपर मेरे पास बच गया 1:2:3. प्लीज नोट इट डाउन. जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं और डायरेक्टली इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं, और फॉर्मूला सम टाइम बिकम्स रॉन्ग. वॉल्यूम के बदले में सरफेस एरिया का लग गया और सरफेस एरिया के बदले में वॉल्यूम का लग गया, और इसलिए यू शुड नो द बेसिक की हाउ व्हाई दिस फॉर्मूला इज अप्लाइड हियर. ओके, वी आर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ बच्चे. एनीथिंग यू वॉन्ट टू आस्क फ्रॉम हियर? चलो एक नेक्स्ट एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं अभी. ये सेकंड वाला थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है बेटा, विल डू टुमारो. थर्ड क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ आपको, छोटा सा क्वेश्चन है ये. द कर्व सरफेस एरिया ऑफ वन कोन इज ट्वाइस ऑफ दैट ऑफ द अदर. लिख लो इसको. क्वेश्चन नंबर 3 वी आर डूइंग नाउ. अभी टाइम जितना है आपके पास, यू कैन कंप्लीट दिस. सी क्वेश्चन इज कर्व सरफेस एरिया ऑफ वन कोन. इट मीन्स कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट कोन, मैं इसको 1 लिख रही हूँ, इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ दैट ऑफ द अदर, सी एस ए ऑफ अदर. ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में बता रही हूँ. दो कोन है, एक का सरफेस एरिया दूसरे से ट्वाइस है. ओके, तो वैसे तो आपको पता है कि इसका फॉर्मूला होता है पाई आर वन एल, और या इसका फॉर्मूला होता है पाई आर टू एल. इसमें मैंने इसकी स्लांट हाइट भी हम एल वन और एल टू कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला जो हमें बेसिक पता है. अभी सिर्फ हमने फर्स्ट लाइन पढ़ी है, उसके बारे में वी हैव रिटन जितनी हमें नॉलेज है कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ वन इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ कर्व सरफेस एरिया अदर, तो हमने उसका फॉर्मूला लिख लिया. ठीक है, जितने भी कोण आएंगे सबका फॉर्मूला हमारे पास कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल बनेगा, तो ऑफ कोर्स उसमें आर और एल की वैल्यू जो है वो यूज होगी. हमने उनको एल वन एल टू और आर वन आर टू लिख लिया. ठीक है, तो व्हाट इज द नेक्स्ट कंडीशन दे हैव टोल्ड दैट द अदर व्हाइल द स्लांट हाइट ऑफ द लेटर, लेटर मीन्स सेकेंड वाला लेटर, यू नो एल ए डबल टी ई आर जो लिखा है, लेटर इज ट्वाइस दैट ऑफ द फॉर्मर. फॉर्मर मीन्स पहले वाले से, कि जो दूसरे वाला है उसका जो पाई आर एल इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ पाई आर इंटू 2L, इसको हम 2L भी लिख सकते हैं. इसका ट्वाइस, अगर मैंने पहले में L लिया तो दूसरे में मैं उसका 2L ले सकती हूँ. ठीक है, रेडियस दोनों के अलग अलग है, स्लांट हाइट को हमने रिलेट कर दिया. ठीक है बेटे, चलो अभी हमने निकालना है इनका रेशियो ऑफ देयर रेडियाई. रेडियाई की रेशियो निकालनी है, प्लीज सॉल्व इट. दिस इज इक्वल टू 4 पाई आर 2 एल, दिस इज पाई आर 1 एल. यू कैन सी वेरी क्लियरली पाई पाई इज सेम, एल इज ऑल्सो सेम. जल्दी से निकाल दो इसका फॉर्मूला, आर वन रेशियो आर टू क्या आएगा? आर वन बाय आर टू विल बी इक्वल टू 4/1. तो आर वन रेशियो आर टू इज इक्वल टू 4:1. दिस इज द ऑप्शन, यू कैन नोट इट डाउन.
और घर जाके आप रिवाइज कर सकते हो। इसकी ऑप्शन आ रही है बी। ओके प्लीज नोट इट डाउन। ओके ठीक है बेटे, बी ऑप्शन आ रही है। एनीथिंग यू वांट टू आस्क, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन काफी आते हैं, कभी हाइट का रेशियो निकालना, कभी रेडियस का रेशियो निकालना, कभी स्लांट हाइट का रेशियो निकालना। जब भी आपने रेशियो निकालना होता है दो चीजों का, तो कुछ ना कुछ रिलेशन दिया होता है इनका आपस में। मैम, यस सर, योर वॉइस इज नॉट कमिंग। ओके जस्ट अ मिनट बेटा। एक्सक्यूज मी मैम, यस मैम आपने R1 को 4 लिखे, R2 को 1, बट R2 4 नहीं होगा, R2, R2 ऊपर नहीं आना चाहिए, R1 नीचे। वो कुछ नहीं फर्क पड़ता बेटा, आप इसको R2 बाय R1 कर लो, फिर क्या रेशियो आएगी? फोर देखो पता क्या है बेटा, इसमें मैंने क्या किया, R2 को मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया, R2 को मैंने नीचे कर दिया, और इसका जो 1 था उसको मैंने नीचे कर दिया। अगर मैं R2 बाय R1 करती हूँ तो मेरे को R1 उधर लेके जाना है। R2 बाय R1 विल बी इक्वल टू व्हाट, 1 बाय 4। 4 को मैं इधर ट्रांसफर करूंगी तो 1 बाय 4 आ जाएगा। ठीक ओके मैम, है बेटे, क्योंकि वहां पे उन्होंने ये बताया है कि ये थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है क्वेश्चंस में कि हम R2:1 करें या R1:R2 करें, ये थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है क्वेश्चंस में। अभी हाउ वुड यू चेक, जब तक उन्होंने कुछ बताया नहीं ना कि लेटर रेशियो डिवाइडेड बाय दैट फॉर्मर रेशियो, तब तक आपने नॉर्मल R1 बाय R2 ही करना है। पहले की रेशियो डिवाइडेड बाय पहले का रेडियस डिवाइडेड बाय सेकेंड का रेडियस। ठीक है, एंड ऑलवेज द क्वेश्चन हैपन्स इन दिस वे कि अगर आपने R1 R2 निकाला है, जिन बच्चों ने उनका 4:1 आंसर आएगा, जिन्होंने R2 बाय R1 निकाला है वो 1 बाय 4 आएगा। बट जब हमारे पास पहले पहले की बात हो रही है, फर्स्ट की बात हो रही है, तो फर्स्ट के बारे में पहले लिखेंगे, फर्स्ट का रेडियस डिवाइडेड बाय सेकेंड का रेडियस। इज इट क्लियर बेटे? ओके दिस इज 4:1, बी इज द आंसर। ओके टिल हेयर एनी प्रॉब्लम? प्लीज क्लियर योर डाउट्स, मेरे को अच्छा लगता है व्हेन यू विल आस्क टू मी कि हाँ ये कैसे आया, वो कैसे आया, ये फॉर्मूला क्यों लगा, इसका मतलब क्या है। प्लीज आस्क योर डाउट्स इससे पहले कि हम आगे और 4-5 क्वेश्चन और कर लें, जितने किए कम से कम वो अंडरस्टैंड करो डीपली। ओके आई कैन सी वन बॉय स्टैंडिंग एट द फ्रंट, कुछ पूछना चाहते हो आप बेटा? ओके चलो फिर न्यू क्वेश्चन करें, चलो वी कैन स्टार्ट विद सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, इसका मैं साथ साथ में आपको हिंट दूंगी, अगर नहीं कंप्लीट हुआ यू कैन कंप्लीट एट होम, टाइम मैम टाइम इज ओवर। इज ओवर। ओके प्लीज ट्राई सेकंड क्वेश्चन, अदरवाइज विल डू इन क्लास टुमारो। ओके बच्चे प्लीज ऑल द बेस्ट एंड प्लीज रिवाइज दिस क्वेश्चन एट होम, कल आपको और मजा आएगा सुनने में। मैम थैंक यू फॉर टीचिंग। वेलकम बेटा।